आर्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पुनि काग भुसुंडिखगेश भूमि सप्तो सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला मिथिलाय वध भूमि पावन करनहार पात करनहार सेवक समाज के दीन जन आरत निबारी वे को कल्प वृक्ष शोक सिंधु तारी वे को रूप है जहाज के राजेश कपिधार उर भरत ना विसार जिन्हें श्रद्धा सो सेवत अवतार अहिराज के वंदनीय विधि के वंदनीय विधि के उरारी हूं के प्राण प्रियो बंदों चरणारविंद सिय रघुराज के बंदों चरणारविंद सिय रघुराज के भूमि सप्त सागर में खला एक भूप रघुपति को सला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन भगवान रामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन महेश्वर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहर्निश अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान महाराज संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहर्निश पूज्यपाद कविता कानन के श्री संत शिरोमणि कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों भद्र पुरुषों सती सावित्री मैत्रेयी और गार्गी के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाली अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों इस कार्यक्रम के संयोजक एवं सफल संचालक आदरणीय पटेल जी आइए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की असीम अनुकंपा से आज हमें अपने सौभाग्य पर इठलाने का जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करते हुए सीधे कथा यात्रा पर चलने का प्रयास हो। विगत कुछ दिनों से श्री राम राज्य पर चर्चा जारी है जैसा कि निवेदन किया जा चुका है। भगवान श्री राम के राज्य शासन काल में त्रैलोक के समस्त भुवनों में सारे लोग सभी प्राणी परोपकारी हैं, उदार मना हैं, धर्मात्मा हैं और अपने अपने कर्तव्यों का विधिवत वेद की रीत के अनुसार पालन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भूमि सप्त सागर मेखला, यह पृथ्वी, भूमि का तात्पर्य पृथ्वी, पृथ्वी में सप्त सागर हैं, सात समुद्र हैं और ये सात समुद्र ही धरती की मेखला अर्थात गर्धनी है। इस धरती में सात समुद्र और इन सातों समुद्रों के साथ ही सात द्वीप हैं
समस्त पृथ्वी के समस्त भूमंडल के एकमात्र राजा भगवान रामचंद्र जी जो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या में विराजमान है। अयोध्या से ही समस्त संसार में शासन जो है वो संचालित की जा रही है। तिथि पत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं आपसे अनुरोध करूं, वैशाख कृष्ण सप्तमी को श्रीमन महाराजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज श्री सीता जी के साथ राज सिंहासन पर विराजते हैं। उस समय भगवान की आयु 41 वर्ष की थी और भगवती पराम्बा की आयु 32 वर्ष की कही जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को सप्त द्वीपों का राजा कहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अनंत अनंत ब्रह्मांडों के भी नायक हैं। सारे ब्रह्मांड के एकमात्र अधीश्वर अगर कोई हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और जितने भी देवता हैं वो सब सभी देवता भगवान के निर्देशों का, भगवान के आदेशों का ही पालन कर रहे होते हैं। मैं निवेदन करूं, ये सात समुद्रों की उत्पत्ति पर एक छोटी सी कथा आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे प्रायः लोग सुनते हैं, गांव-गांव में भागवत की कथा होती है, अस्तो आप लोग इस कथा से भली भांति परिचित हैं, फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जब बात आ ही गई है तो मैं समुद्र की उत्पत्ति से संबंधित चंद बातें आपकी सेवा में समर्पित करने का प्रयास करूंगा। महाराज मनु हुए। महाराज मनु के दो पुत्र महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, दोनों राजा हुए। महाराज मनु के छोटे पुत्र प्रियव्रत जी जब राजा बने, बड़े धर्मात्मा राजा थे। यों तो महाराज प्रियव्रत निवृत्त मार्ग के राही थे, परंतु ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने गृहस्थी को स्वीकार किया। एक दिन महाराजा प्रियव्रत ने देखा कि भगवान सूर्य नारायण सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करके अन्यान्य लोकों को प्रकाशित करते हैं, और चाहे जितना भी प्रकाशित करे, चूंकि भूगोल भी कह रहा है कि पृथ्वी गोल है, इस तरह दिन में अर्थात 12 घंटे के समय में भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण भी केवल आधी पृथ्वी को प्रकाशित कर पाते। आधी पृथ्वी में प्रकाश रहता है, इसलिए धरती का आधे भाग में दिन रहता है और उसके ठीक पृष्ठ भाग में पीछे भाग में अंधेरा रहता है, अर्थात रात्रि रहती है। महाराज प्रियव्रत ने देखा कि भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण भी आधी पृथ्वी को ही प्रकाशित करते हैं, आधी पृथ्वी अंधेरे में रह जाती है, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया कि मैं रात को भी दिन में परिवर्तित कर दूंगा, रात को भी दिन में बदल दूंगा। एक दैदीप्यमान रथ में सवार होकर महाराज प्रियव्रत ऐसे ही निकले जैसे कोई द्वितीय सूर्य गगन मंडल में उदीयमान हो गया हो, और सूर्य के पीछे पीछे चलते गए। कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण भूमंडल के साथ चक्कर लगा लिए। महाराजा प्रियव्रत जब अपने दैदीप्यमान रथ में विराजमान होकर रात को भी दिन बनाने के संकल्प से भगवान सूर्य नारायण के पीछे पीछे घूम रहे थे, तो महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए जब धरती में पड़े तो इस धरती में रथ के पहियों के निशान बन गए, और वो निशान ही सात समुद्रों के रूप में परिवर्तित हो। उसमें से एक खारे जल का समुद्र है, दूसरा ईक अर्थात गन्ने के रस से भरा हुआ समुद्र है, और तीसरा समुद्र मदिरा का है, चौथा समुद्र घी का है, पांचवा समुद्र दूध का, छठवां दही का, और सातवां समुद्र मीठे जल का है।
इन सातों समुद्रों के बीच बीच में ही धरती का वह टापू, वह हिस्सा रह गया या बन गया जिसको द्वीप कहा जाता है। द्वीप की परिभाषा भी यही है, वह भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो सात समुद्र जो बने उनके बीच बीच में जो स्थल भाग बना बस वही सातों द्वीप कहलाए, जिनमें क्रम से अगर देखा जाए तो जम्बू द्वीप, फिर प्लक्ष द्वीप, पश्चात सालमली द्वीप, फिर कुश द्वीप और क्रौंच द्वीप, छठवें क्रम में शाक द्वीप और सातवें नंबर में पुष्कर द्वीप गिनाए जाते हैं। इसकी कथा बहुत रोचक है। प्रत्येक द्वीप जितना बड़ा है विस्तार की दृष्टि से उससे संबंध रखने वाला समुद्र भी उतना ही बड़ा है। इसको अगर कल्पना करके समझने का प्रयास करें, एक तवा ले लीजिए गोल और उसके मध्य भाग में बिल्कुल ठीक बीचों बीच एक एक द्वीप की कल्पना की जा सके। लक्षद्वीप ठीक बीचों बीच, जम्बू द्वीप ठीक बीचों बीच मान लिया गया तो उसके चारों ओर उसी विस्तार वाला, जितना बड़ा जम्बू द्वीप उतना ही बड़ा विस्तार की दृष्टि से उससे संबंध रखने वाला या उसको घेरने वाला समुद्र की स्थिति कही गई है। तो जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरने वाला जो समुद्र है उस समुद्र का नाम है वो खारे जल वाला समुद्र है, वहां का पानी खारा है। और उसके पश्चात फिर उसके चारों ओर उसी से लगा हुआ अर्थात खारे पानी के सागर से लगा हुआ अब दूसरा द्वीप आएगा, प्लक्ष द्वीप। और उस प्लक्ष द्वीप के फिर चारों ओर ईख के रस से भरा हुआ समुद्र है जो प्लक्ष द्वीप को घेरे हुए है। और ईख के रस से भरे हुए समुद्र के बाद माने बाहरी भाग में एक फिर द्वीप आएगा, उस द्वीप का नाम है सालमली द्वीप। को चारों ओर से मदिरा का समुद्र घेरे हुए है। मदिरा के समुद्र के पश्चात बाहर की ओर कुश नाम का द्वीप है और कुश द्वीप को चारों ओर से घी का समुद्र घेरा हुआ है। उसके पश्चात उसके बाहर में क्रौंच द्वीप का स्थान है और क्रौंच द्वीप को चारों ओर से दूध का समुद्र घेरा हुआ है। फिर उसके बाहर की ओर शाक नाम का द्वीप है और शाक नाम के द्वीप को खाई की तरह दही का समुद्र घेरा हुआ है और दही के समुद्र के फिर बाहर की ओर पुष्कर नाम का अंतिम सातवां द्वीप है और पुष्कर द्वीप को चारों ओर से मीठे जल का सागर घेरा हुआ है। इस तरह एक द्वीप को चारों ओर से घेरने वाला जो समुद्र है वो विस्तार की दृष्टि से जितना बड़ा द्वीप उतना ही बड़ा समुद्र, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है। लेकिन उत्तरोत्तर एक द्वीप से दूसरे द्वीप का जो विस्तार है वो दो गुना है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहला जम्बू द्वीप जब आया तो जम्बू द्वीप से दो गुना विस्तार वाला प्लक्ष द्वीप और फिर प्लक्ष द्वीप से भी दो गुना विस्तार वाला सालमली द्वीप, उससे दो गुना विस्तार वाला कुश द्वीप, उससे दो गुना विस्तार वाला क्रौंच द्वीप, इस तरह शाक और पुष्कर द्वीप। उत्तर उत्तर क्रम से अगर हम बढ़ेंगे तो पहले की तुलना में आगे आने वाला जो द्वीप है वो दो गुना विस्तार वाला है। मैंने अभी निवेदन किया कि जितना बड़ा द्वीप है उतना ही बड़ा समुद्र है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि द्वीप भी दो गुने बड़े अगर हुए विस्तार की दृष्टि से तो समुद्र भी दो दो गुने बड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा विस्तार। ये एक पृथ्वी की चर्चा है, एक भूभाग की चर्चा है। ये भगवान राम के संबंध में कहा जा रहा है, भू
भूमि सप्त सागर फेंकता, सातों समुद्र और सातों द्वीप का जो भाग है वहां के एकमात्र अधिपति अगर कोई है तो भगवान राम है। लेकिन इतना कहना पर्याप्त नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। आगे गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, भुवन अनेक, भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। भगवान का ये ऐश्वर्य, भगवान के संबंध में इतनी बड़ाई, ये पर्याप्त नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज है। एक पृथ्वी में सात समुद्र और सात द्वीप, केवल इसी के अधिपति भगवान नहीं है, भगवान तो अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक है। अब केवल नायक नहीं, रामचरितमानस जी में कथा आती है, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। दर्शन करें उस चरित्र का, माता कौशल्या ने एक दिन उबटल लगाकर बालक राम का स्नान संपन्न किया और श्रृंगार करके पल्ले में पौढ़ा दी, पुनः स्नान किया, इष्ट देव के लिए रसोई तैयार की। उस समय उस प्रकरण में भगवान ने जब माता कौशल्या को अपने विराट स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान राम के प्रत्येक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और इसलिए वेदांत दर्शन कहता है अनोरनिया मतो मेया, सबसे छोटा अगर कोई है तो वो भी भगवान ब्रह्म, और सबसे बड़ा भी अगर कोई है तो ब्रह्म। लोगों ने मधुरता में बात कही, भक्त बड़े भगवान से, भक्त बड़े भगवान से, छोटे हैं भगवान से, तो बांध रघुबर गए लांग गए हनुमान अनोरनिया। सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं, वहां भगवान का जो स्वरूप है वो अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा। और जब ये कहा गया कि देखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और इसीलिए हमारे शास्त्र गाते हैं, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तौ गुणानाम ईश पारम न याति। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, महिपत्री करि सिंधु मसि तरु लेखनी बनाई, अतुलसी गणपद सो तदपि महिमा लिखी न जाई, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। ऐसे प्रभु को केवल सप्त द्वीपों का राजा कह देना, ये भगवान के पक्ष में उनकी कोई बहुत बड़ाई नहीं है। आगे को स्वामी जी महाराज ने कहा, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत ही न ताग नेरी। भगवान की उस महिमा को समझ करके ये कहना कि वो सप्त द्वीपों के राजा हैं, ये उसके लिए बड़ी हीनता की बात होगी। इतना ही नहीं है, जैसा कि अभी निवेदन किया गया, सो महिमा खगे सजी न जानी,
अफिर यह चरित तिन्हु रतिमानी सो महिमा खगेश जिन जानी। कालभूषण जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, भगवान की सो माने उस महिमा को जिसने जाना। संकेत क्या है? संकेत ये है कि भगवान की उस महिमा को कि भगवान इतने बड़े हैं इसको सब लोग नहीं जानते। खगेश जिन जानी, जिसने जाना, तात्पर्य सब लोग नहीं जान सकते। और अपने पुरुषार्थ के बल पर तो भगवान को कोई जान सकता ही नहीं। अपने पुरुषार्थ के बल पर भगवान जानने का विषय है ही नहीं, नहीं जाना जा सकता। तो क्या किसी ने नहीं जाना? नहीं जाना तो कैसे जाना? वो स्वामी जी संकेत करते हैं, सो जानी जहि देहु जनाई और जानत तुम ही होई जाई। वो जानता है या वो लोग जाने जिनके ऊपर प्रभु की असीम अनुकंपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, उन्होंने जाना। और जिन्होंने जाना भगवान की महिमा को, फिर यह चरित तिनौ रतिमानी, उन लोगों ने भगवान का जो सगुण साकार विक्रय है, अर्थात भगवान की जो लीला है, उसको स्वीकार किया। गोस्वामी जी महाराज तो संकेत करते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ध्यान के द्वारा अथवा ध्यान में भगवान का निरंतर दर्शन करने वाले लोगों के मन में भी भगवान की जो लीला है, भगवान की कथा है, भगवान का चरित्र है, उसका एक शब्द भी अगर पड़ जाए तो लोग ध्यान की मुद्रा को तोड़कर कथा सुनने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। इस तरह भगवान की महिमा को कोई जान नहीं सकता। जो लोग जाने उनके संबंध में गोस्वामी जी महाराज का संकेत, सो जाने कर फल यह लीला, अब कहि महामुनि वर तमसीला। जो लोग जाने, उन लोगों ने जानने का फल क्या है? भगवान को या भगवान के चरित्र को, भगवान की महिमा को थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने जाना तो जानने का फल ये है कि भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, भगवान के चरित्र में मन लग जाए। ऐसा कहि महामुनिवर तमसीला। जितेंद्री कोटि के मुनियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देवर्षि नारद, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि अगस्त, भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी, ऐसे जो जितेंद्री महात्मा हुए हैं उनका कथन है। इस तरह भगवान के गुणानुवाद को लोग सुनते हैं, भगवान के चरित्र को गाते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर तमसीला। यहाँ लीला शब्द आया, लीला का आनंद लीला के रूप में लेने में ही है। भगवान की लीला को लीला की दृष्टि से ही देखना चाहिए, तब आनंद आता है। अगर भगवान की लीला को चरित्र मान लिया गया तो अनर्थ होता हुआ दिखता है। बहुत से प्रमाण है। मैंने कभी कोई कथा पढ़ी थी, भगवान कृष्ण की रामलीला। भगवान अपने गोप ग्वाल सखाओं के साथ गोचारण के लिए जब जाते थे तो वहां गायें चरती चर रही होती थी और भगवान लीला खेला करते थे। कृष्ण जी रामलीला के, भगवान कृष्ण बनते थे राम, और बलदाऊ महाराज जो है वो बन जाते थे लक्ष्मण। लीला लगातार अपने गति की ओर अग्रसर है। एक दिन की बात है, लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग आ गया।
और लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग जब आया तो मेघनाथ जो बना हुआ था उसने लीला में शक्ति बाण मार दी। अब बलराम जी भूल गए, खो गए लीला में, लीला को चरित्र मान लिया और उनकी तंद्रा टूटी ही नहीं। रात होने लगी, न गायें वापस घर जा रही है, न कोई गोप ग्वाल, सब लोग मस्तक पकड़ के बैठे हैं, हाय हाय करते। वृंदावन के लोग आए, क्या हो गया, न गायें आती हैं, न बछड़े आते हैं और न बच्चे आते हैं, तो क्या देखा? भगवान कृष्ण जो राम बने थे वो अपनी गोदी में अब बलराम को लेकर के और विलाप कर रहे थे। लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है, बोले शक्ति बांध लगी है, लीला चल रही है। अच्छा शक्ति बांध लग गई है तो हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए हैं कि नहीं? तब बच्चों ने बताया, हाँ अमुक नाम का लड़का वो द्रोणाचल पर्वत में गया है बूटी लाने के लिए, तो अभी तक बूटी लेके आया कैसे नहीं? तो कहते हैं कि उसका चाचा भी साथ में गया था, उसने बताया अरे वो तो घर में जाके भोजन करके सो गया है। अब वो भोजन करके सो गया है जो हनुमान बना है, वो जब तक नहीं आएगा बूटी जब तक नहीं आएगी और तब तक तंद्रा कैसे टूटेगी, बेहोशी कैसे दूर होगी लखनलाल? तो फिर वहां समझाया बुझाया गया और कहा गया कि यमुना मैया के तट से कुछ घास फूस ले आओ भाई और उसे रगड़ करके सुंघा दो। ऐसा किया गया। निवेदन ये था कि लीला को लीला की दृष्टि से देखने में आनंद है और लीला को लीला की दृष्टि से अगर न देखा जाए तो फिर लीला का रस ही समाप्त हो जाए। सब लोग आनंद में विभोर हैं। राम राज कर सुख संपदा बरनिन सके फनी ससारदा। भगवान राम के राज्य शासन काल में लोगों को जो सुख मिल रहा है, सुख की सृष्टि हो रही है, सुख की वृष्टि हो रही है और उस समय जो संपदा छाई हुई है, संपत्ति कई तरह की होती है, केवल पैसे को ही संपत्ति नहीं कहते, दैवी संपत्ति भी तो होती है और ये भौतिक संपत्ति से दैवी संपत्ति का स्थान ज्यादा गुरुतर है। समस्त प्रकार की संपदा और सुख, इसका वर्णन वर्ण न सके, वर्णन नहीं किया जा सकता इनके द्वारा। फनी ससारदा हजार फन वाला शेष नाग भी उस वह सुख संपत्ति समय समाजा तो कही न सकत सारद अहिराजा। शेष नाग के 1000 फन होते और 1000 फन में 2000 जीव होती है, एक मुंह में 2 जीव होते हैं, तो एक बार में जब बोलेगा शेष नाग बोलेंगे तो 2000 श्लोक फूटेंगे, लेकिन और वो शेष भी है, उनका अंत भी नहीं होता। जब महाप्रलय की स्थिति आती है तब भी भगवान नारायण के साथ शेषनाग बचते हैं, वो भी भगवान की कथा को नहीं कह सकते, उस समय के सुख का वर्णन नहीं कर सकते। और शारदा माता की के पास मुंह तो शेषनाग से भी ज्यादा होती, शेषनाग से भी ज्यादा मुंह वाली शारदा है, क्योंकि जितने बोलने वाले लोग हैं सबके मुंह में सबके जीभ में शारदा माता विराज कर ही तो बोलती है। जब तक किसी की जीभ में शारदा माता विराजमान न होंगी व्यक्ति बोलेगा कैसे? तो इसलिए अनंत बोलने वाले लोग हैं तो कहना पड़ेगा माता सरस्वती के मुख भी अनंत हैं। तो हजार मुंह से शेष नाग नहीं कह सकते और अनंत मुखों से विद्या की आदि देवी सरस्वती विद्याधि देवता साक्षात धन्या देवी सरस्वती यत्र साधेन कुर्वन्ती काव्यानि कवयः सदा। जिसकी रंच मात्र कृपा से कवि लोग महान महान काव्यों की सर्जना करती हैं, ऐसी कृपा करने वाली देवी
अनंत मुखों से भी वह सुख संपत्ति समय समाजा अब कही न सके शारद अहि राजा। नहीं कह सकते। हाँ, एक बार कहने की बात आई भी, ऐसी कथा आती है कि सभी देवता लोग और बड़े बड़े ऋषि लोग एक बार इकट्ठे हुए और सबके मन में एक बात आई कि आद्योपांत शुरू से लेकर के अंत तक भगवान की कथा सुनी जाए। अब कहेगा कौन भगवान की कथा शुरू से लेकर अंत तक कहेगा कौन? तो लोगों ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा से निवेदन किया। बोले, पितामह ब्रह्मा, आप वेदों के अधिकारी हैं, आप वेदों के अधिकारी देवता हैं और चतुर्मुखी हैं आप, चार मुंह हैं आपके, इसलिए महाराज आप शुरू से लेकर के अंत तक भगवान की कथा सुना दीजिए। ब्रह्मा जी ने थोड़ी हामी भरी, लगता है मैं सुना डालूंगा, और भगवान ब्रह्मा ने भगवान की कथा गाना शुरू की। कहते हैं हमारे ग्रंथों में कहीं कहीं ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष और कहीं कहीं ब्रह्मा जी की आयु 108 वर्ष ऐसा भी प्राप्त हो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4,29,40,80,000 साल बीत जाते हैं और वो ब्रह्मा ने भगवान का गुण समूह गाना जब शुरू किया तो उसकी आयु खत्म हो गई, आयु समाप्त होने लगी, सांसें अटकने लगी ब्रह्मा जी की। और तब देवताओं ने पूछा, भगवान क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, अब आगे मैं नहीं गा सकता। देवताओं ने पूछा, कथा कितनी बची है? ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तो शुरू हुई। इतना विस्तार कथा। भगवान शंकर से कहा, शंकर जी ने कहा, नहीं हम नहीं कह सकते। और माता सरस्वती से कहा गया, सरस्वती जी ने भी कह दी कि हम भी कथा ठीक ठाक नहीं कह सकते। और तब भगवान शेषनाग से कहा गया, तो शेषनाग ने हामी भरी कि मेरे 1,000 फण हैं, मैं आद्योपांत कथा कहूंगा। और तब देवताओं ने कहा, कह दोगे तब तो ठीक है महाराज, और अगर न कह सके तो सजा मिलेगी आपको। सजा क्या? ये धरती आपके सिर के ऊपर धर दी जाएगी। भगवान शेषनाग ने कथा गाना शुरू किया, गाते रहे गाते रहे गाते रहे और अंत में शेषनाग भी थक गए। जब वाणी अवरुद्ध होने लगी, शेषनाग बोलने में असमर्थ हो गए, तब देवताओं ने पूछा, हुआ क्या महाराज? शेषनाग ने कहा कि मैं भी अब असमर्थ हूँ कथा गाने में। पूछा गया, कथा कितना बचा है? और तब शेषनाग ने कहा, अभी तो शुरू हुई है कथा। चलो महाराज, तो आपके सिर के ऊपर ये पृथ्वी धर दी जाए। और तब इस पृथ्वी को उठाकर देवताओं ने शेषनाग के सिर के ऊपर रख दिया और सजा ये दी गई। बोले, अहर्निश सिर के ऊपर इस पृथ्वी को धारण किए हुए आप भगवान की कथा को गाते रहिए, और जिस दिन कथा पूरी हो जाएगी ना महाराज, उस दिन बता देना, तब आपके सिर से पृथ्वी को उतार कर किसी और के सिर पर धर देंगे। और तब से लेकर के भगवान शेष नारायण जो है वो आज पर्यंत भगवान के कुल समूहों का अहर्निश गायन कर रहे हैं। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता अब कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के चरित्र अनंत है, इसे कौन कह सकता है, कौन गा सकता है? आइए, बहुत प्रसन्नता का विषय है, आज द्वितीय लिंक में पूज्य शास्त्री जी महाराज नैमी सारण्य से जुड़कर कथा कहेंगे। हमारा अत्यंत सौभाग्य होगा, आज हम द्वितीय लिंक में शास्त्री जी को सुनेंगे। शास्त्री जी के साथ आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम, और कथा अपनी पूर्णता की ओर है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए शेष समय आदरणीय पटेल जी को सादर समर्पित करना चाहूंगा। बोलिए, लखन सिया राम चंद्र की।